हेलो एवरीवन, दिस इज शैली एंड वेलकम टू डीजी एडुशाला। और आज हम यूपीपीएससी आरओएआरओ टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में टेस्ट नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो कि जनरल हिंदी से रिलेटेड है एंड जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इससे पहले के टेस्ट नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, विकल्प में दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शंस हैं ए अनुमान, बी आकलन, सी अनुभूत या डी अनुक्रम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अनुभूत इसमें विशेषण है, जबकि इसका विशेष्य होता है अनुभूति, जबकि बाकी सभी विशेष्य हैं, उनके विशेषण होंगे अनुमान का अनुमानित, आकलन का आकलित और अनुक्रम का अनुक्रमिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शंस हैं ए भलाई, बी विद्वान, सी विवाद या डी ज्ञान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इसमें विद्वान विशेषण है और संज्ञा दोनों की ही तरह कार्य करता है, जबकि बाकी सभी शब्द इसमें संज्ञा है। नेक्स्ट, दिए गए विशेष्य विशेषण युग्म में सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए दिन दैनिक, बी निर्माण निर्मित, सी पतन पतित या डी पराजय परास्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पराजय का परास्त नहीं बल्कि पराजित होगा विशेषण। नेक्स्ट, तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। उपयुक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शंस हैं ए समुदायवाचक विशेषण, बी क्रमवाचक विशेषण, सी प्रत्येक बोधक विशेषण या डी गणनावाचक विशेषण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो इसमें तीनों शब्द है ये समुदायवाचक विशेषण है। समुदायवाचक विशेषण क्या होते हैं? ऐसे विशेषण जो समुदाय का बोध कराते हैं, उनको समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तीनों, दोनों, चारों, पांचों, ये सब समुदायवाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट, विशेष्य वह शब्द होता है। ऑप्शंस हैं ए जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, बी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, सी जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, विशेष्य वह होते हैं जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष्य है। ऑप्शंस हैं ए सुनीत, बी विद्यार्थी, सी अच्छा या डी ए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जिसमें विद्यार्थी है ये विशेष्य है, जबकि जो अच्छा है, ये जो अच्छा शब्द है ये गुणवाचक विशेषण है, और विशेष्य क्या हो जाएगा इसमें? विद्यार्थी, जबकि संज्ञा इसमें सुनीत हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरा लड़का आलसी है, वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शंस हैं ए विधेय विशेषण, बी विशेष्य विशेषण, सी परिमाण बोधक विशेषण, परिणाम बोधक विशेषण या डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण क्या होते हैं? जिन वाक्यों में विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच में आते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें विशेष्य हो जाएगा आलसी, सॉरी इसमें विशेष्य हो जाएगा लड़का और क्रिया हो जाएगी है, तो जो आलसी है वो विधेय विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शंस हैं ए राघव परिश्रमी लड़का है, बी मेरा कुत्ता काला है, सी वह लेखक है या डी उसकी पुस्तक पुरानी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वह लेखक है, इसमें कोई भी विशेषण यूज नहीं हुआ है, जबकि बाकी सभी में राघव परिश्रमी तो इसमें परिश्रम होगा और इसमें काला होगा, इसमें पुस्तक पुरानी। नेक्स्ट, दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है,
दिए गए वाक्य में तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन हैं ए क्रमवाचक विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी निश्चय परिणाम बोधक विशेषण या डी पूर्णांक बोधक विशेषण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ये एक क्रमवाचक विशेषण है। अब क्रमवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो क्रम का बोध कराते हैं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट, दिए गए विशेष्य विशेषण युग में सही सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन हैं ए जाति जातीय, बी पुष्टि पुष्ट, सी पंथी सॉरी पंथ पंथी या डी निपुणता निपुण। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इसमें जो पुष्टि पुष्ट है ये सम्मिलित नहीं है, जबकि इसमें पुष्टि शब्द का विशेषण पौष्टिक होता है ना कि पुष्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन हैं ए कालिका, बी नारायणी, सी कल्याणी या डी वैदेही। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वैदेही दुर्गा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि सीता का पर्यायवाची है। और सीता के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं, जनक किशोरी, जनक तन्या जानकी, जनक सुता भूमिजा और वैदेही, जबकि बाकी सभी कालिका कल्याणी नारायणी ये तीनों ही दुर्गा के पर्यायवाची हैं। और इनके अतिरिक्त चंडिका भगवती महामाया गौरी शक्ति चंडी भवानी ये भी दुर्गा के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन हैं ए हय, बी कुंजर, सी नाहर या डी विटप। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, विटप किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है बल्कि विटप वृक्ष का पर्यायवाची है। बाकी देख लेते हैं, हय घोड़ा का पर्यायवाची है, कुंजर हाथी का और नाहर सिंह यानी शेर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन हैं ए पुष्कर, बी सहकार, सी नाग या डी तारापत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सहकार इसमें आकाश का पर्यायवाची नहीं है बल्कि आम का पर्यायवाची है। और बाकी पुष्कर नाग और तारापत ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं। इनके अलावा गगन नभ अंबर व्योम अनंत अंतरिक्ष शून्य ये सभी आकाश के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन हैं ए तलवार चंद्रहास, बी जीवा रसिका, सी ब्राह्मण पुरहूत या डी कमल पुंडरीक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ब्राह्मण पुरहूत ये गलत होगा, ये सम्मिलित नहीं है क्योंकि पुरहूत इंद्र का पर्यायवाची है ना कि ब्राह्मण का। बाकी सभी इसमें ठीक होंगे। तो इंद्र के अन्य पर्यायवाची भी देख लेते हैं, शक्र सुरपति देवराज पुरंदर देवेश सुरेश अमरपति इत्यादि ये सभी पुरहूत यानी इंद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन चंद्रमा का पर्याय शब्द नहीं है? ऑप्शन हैं ए निशानाथ, बी मयंक, सी मुकुंद या डी कलानाथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मुकुंद इसमें चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि कृष्ण का पर्यायवाची है, जबकि बाकी सभी निशापत मयंक निशानाथ मयंक कलानाथ ये तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। और इनके अलावा इंदु शशि शशांक सुधाकर हिमांशु हिमकर निशाकर विभाकर सुधांशु चंद्र सोम ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन हैं ए श्री, बी लक्ष्मीपति, सी आंजनेय या डी श्यामा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए श्री, इसमें लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। और इनके अन्य पर्यायवाची कमला रमा पद्मा पद्मासना इंद्रा समुद्रजा भार्गवी सिंधु सुता ये सभी लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हैं, जबकि लक्ष्मीपति विष्णु जी का पर्यायवाची है, अंजनेय हनुमान जी का और श्यामा कोयल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन हैं ए लोहू रक्त, बी आयस लोहा, सी शार्दुल सिंह या डी शोड़ित मोर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इसमें शोड़ित मोर का पर्यायवाची नहीं है ये गलत होगा, बाकी सभी इसमें
सही होंगे क्योंकि मोर का पर्यायवाची मयूर, शिखी, सीतापांग, नर्तक प्रिय, मेह प्रिय, केकी, नीलकंठ, शिखावल, सारंग, ध्वजी ये सभी होते हैं। तो शोणित इसका नहीं होगा। और शोणित होता है लहू यानी खून, रुधिर, इन सब का पर्यायवाची शोणित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं ए मयूर सीखी, बी रात्रि बिभावरी, सी मछली मत्स्य, या डी मगरमच्छ मरकट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी मगरमच्छ मरकट। ये इसमें गलत होगा क्योंकि मरकट मगरमच्छ का नहीं बल्कि बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट, निम्न में से गलत युग्म पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए दिनांक मीति, बी रात्रि दिवाकर, सी अमृत अमीय, या डी सरिता तटिनी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इसमें से रात्रि दिवाकर ये युग्म गलत होगा क्योंकि जो दिवाकर होता है वो रात्रि का पर्यायवाची नहीं होता है बल्कि दिन का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भवरा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शंस हैं ए मधवा, बी मधुब, सी मधुकर, या डी अली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जो मधवा है वो भवरा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि मधुब, मधुपर, मधुकर और अली ये तीनों ही भवरा के पर्यायवाची हैं, जबकि जो मधवा है वो इंद्र का पर्यायवाची है और इंद्र के अन्य पर्यायवाची हैं देवराज, सुरपति, पुरंदर, शक्र, सचिपति। नेक्स्ट, उसमें जो दिवाकर बताया था वो सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम शब्द है? ऑप्शंस हैं ए न्यून, बी बहु, सी आदि, या डी शान। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जो अल्प का पर्यायवाची होता है, अल्प का विलोम होता है वो होता है बहु, जबकि न्यून का अति और आदि का अंत, शांत का अनंत होता है। नेक्स्ट, अत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए पूरा, बी अधूरा, सी इति, या डी अजल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अत का विलोम होता है इति। बाकी देख लेते हैं, पूरा का होगा अधूरा और अजल का होगा सजल। नेक्स्ट, अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए विराग, बी ग्राह, सी ग्रहण, या डी विग्रह। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अर्पण का विलोम शब्द ग्रहण होगा, जबकि विराग का होगा अनुराग, ग्राह का होगा त्याज्य और विग्रह का होगा अनुग्रह। नेक्स्ट, अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए अर्थहीन, बी परिमित, सी सदोष, या डी उत्कर्ष। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होगा, जबकि अर्थहीन का अर्थवान और परिमित का अमित और सदोष का अदोष होगा। नेक्स्ट, उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए उद्गम, बी विनाश, सी विकास, या डी उत्तम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, उत्पत्ति का विलोम शब्द विनाश होगा, जबकि उद्गम का होगा विलय, विकास का पतन और उत्तम का अधम। नेक्स्ट, गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए मुक्त, बी प्रकट, सी शांति, या डी मुख्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गुप्त का होगा प्रकट, जबकि मुक्त का ग्रस्त और शांति का कोलाहल और मुख्य का गौड़ होगा। नेक्स्ट, गुण का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शंस हैं ए अवगुण, बी दोष, सी एव, या डी गुणहीन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, गुणहीन गुण का विलोम नहीं है, जबकि अवगुण, एव और दोष ये तीनों ही गुण के विलोम शब्द हैं। गुणहीन के विलोम होंगे अवगुण, दोष, एव, खामी, विकार आदि। नेक्स्ट, करुण का विलोम शब्द निम्न में से का है? ऑप्शंस हैं अकरुण, विकरुण, निष्ठुर, या निष्कलंक। सो करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन सी करुण का विलोम शब्द निष्ठुर होगा, जबकि निष्कलंक का कलंकित होगा। और करुण का जो अर्थ होता है वो होता है करुणवान या दयावान। नेक्स्ट, निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसका विलोम शब्द है? ऑप्शंस हैं ए नाकामयाब, बी बदकिस्मत, सी कामी या डी नाकाबिल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, निष्काम का जो विलोम शब्द है वो कामी होगा, जबकि नाकामयाब का कामयाब, बदकिस्मत का खुशकिस्मत, नाकाबिल का काबिल। नेक्स्ट, उदासीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए प्रसन्न, बी खुशकिस्मत, सी आसक्त या डी उद्गिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, उदासीन का होगा विलोम आसक्त, जबकि प्रसन्न का होगा उदास, खुशकिस्मत का बदकिस्मत और अद्विगुण का निरुद्विगुण। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तत्सम है और दूसरी तरफ उसके तद्भव है। सबसे पहले मुट्ठी मुष्टि, लगुड़ लकड़ी, लशुन लहसुन, शब्द सात। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मुट्ठी मुष्टि, ये गलत होगा क्योंकि इसका जो तत्सम होता है वो मुष्टि होता है और जो तद्भव होता है वो मुट्ठी होता है। ये मतलब इधर उधर लिख दिए गए हैं, ये उल्टे लिखे गए हैं, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शंस हैं ए शिष्य, बी सौभाग्य, सी साग या डी शीतल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो साग है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है और इसका तत्सम होता है शाग, और बाकी शिष्य का तद्भव होता है सिख, सौभाग्य का होता है तद्भव सुहाग और शीतल का होता है शीला। नेक्स्ट, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? ऑप्शंस हैं ए शाल, बी मैल, सी रजनी या डी सत्य। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जो मैल है ये तद्भव शब्द है जबकि इसका तत्सम शब्द होता है मल, और बाकी क्षार रजनी सत्य ये सभी तत्सम हैं और इनके तद्भव होते हैं, क्षार का होता है राख, रजनी का होता है रैन और सत्य का होता है सच। नेक्स्ट, कौन सा युग्म सुमेलित है? ऑप्शंस हैं एक तरफ तद्भव हैं और दूसरी तरफ उनके तत्सम हैं। सबसे पहले होंठ का होस्ट, हींग का हिंग, हथौड़ा का प्रस्तर, हड्डी का अस्थि। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन ए दोनों ही, क्योंकि होंठ का होस्ट नहीं ओस्ट होता है और हथौड़ा का प्रस्तर नहीं अस्त हस्त होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शंस हैं ए विनती, बी वेश, सी भौं या डी वंश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जिसमें भौं है ये तद्भव शब्द है जबकि इसका तत्सम होता है भ्रूं और विनती का होता है बिनती, वेश का भैंस और वंश का बांस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव है और दूसरी तरफ उनके तत्सम है। सबसे पहले पूरा का पूरक, पोती का पौत्री, पौना का पादोन और पुंच का पुच्छ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ये गलत होगा क्योंकि पुच्छ जो इसमें ये छा है ये यहाँ पे आधा चाहेगा और बाकी सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ तद्भव हैं और दूसरी तरफ उनके तत्सम हैं। सबसे पहले फुर्ती स्फूर्ति, बकरा वर्कन, बढ़ई वर्धिकी, बारात बारात। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इसमें बारात का जो बारात है ये सुमेलित नहीं है क्योंकि बारात का होता है तत्सम वर यात्रा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? ऑप्शंस हैं ए पड़ोसी, बी नयन, सी नीम या डी धूल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नयन इसमें तत्सम है जबकि इसका तद्भव होता है नैन और बाकी सभी तद्भव हैं, उनके तत्सम देख लेते हैं। पड़ोसी का होता है प्रतिवेशी, नीम का होता है निम्ब और धूल का होता है धूली। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है?
ऑप्शंस हैं ए निमंत्रण, बी तो, सी दुर्लभ या डी पक्षी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। जो तो है ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है ततः। बाकी सभी तत्सम शब्द हैं, उनके तद्भव शब्द देख लेते हैं। निमंत्रण का होता है न्योता, दुर्लभ का होता है दुल्हा और पक्षी का होता है पंछी। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। इसमें से जो सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। एक तरफ तद्भव है और दूसरी तरफ उनके तत्सम है। सबसे पहले चूमना का चुंबन, चाम का चर्म, छाया का छा और छत का छत्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, छाया का छा। ये इसमें गलत दे रखा है क्योंकि छा तद्भव शब्द है और छाया तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए यायावर, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, बी पृष्ठव्यय पूछने योग्य, सी प्रत्युत्पन्नमती जो तत्काल उत्तर दे सके, या डी युयुत्सु युद्ध में शहीद हो जाने वाला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, युयुत्सु युद्ध में शहीद हो जाने वाला। ये गलत होगा क्योंकि युयुत्सु होता है युद्ध करने की, जो युद्ध करने के इच्छुक होता है उसको युयुत्सु कहते हैं। नेक्स्ट, जिस वस्त्र को पहना ना गया हो। ऑप्शंस हैं ए अभ्यस्त, बी नवीन, सी अप्रहत या डी अगम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जिस वस्त्र को ना पहना गया हो उसे अप्रहत कहते हैं, और किसी काम को बार बार करने के अनुभव करने वाले को अभ्यस्त कहते हैं, और जहाँ नहीं पहुँचा जा सका हो उसे अगम, और जो नया होता है उसे नवीन। नेक्स्ट, पीछे पीछे चलने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द होगा। ऑप्शंस हैं ए अनुगामी, बी अनुचर, सी अनुसरणीय या डी अनादरत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, पीछे पीछे चलने वालों को अनुगामी कहते हैं, और जो अनुसरणीय होता है वो होता है अनुसरण करने योग्य, जबकि अनुगामी हो गया, और अनादरत होता है जिसका आदर ना किया गया हो, और अनुचर भी पीछे चलने वालों को कहते हैं जो उनकी बातों को अपने आप को अनुकरण करके चलता है उसको अनुचर कहते हैं। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं ए जिस रोग का इलाज ना किया जा सके, लाइलाज, बी जो छाती के बल चलता हो, छतनाग, सी जिसका मन जगत से उचट गया हो, उदासीन, या डी दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देना, आत्मोत्सर्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जो छाती के बल चलता हो उसे छतनाग नहीं बल्कि उरग कहते हैं। नेक्स्ट, जिसे खरीद लिया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शंस हैं ए कातर, बी कुंज, सी क्रीत या डी भक्त। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जिसे खरीद लिया गया हो उसे क्रीत कहते हैं। नेक्स्ट, जो गुण दोष का विवेचन करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, एक शब्द होगा। ऑप्शंस हैं ए आलोच्य, बी अश्लील, सी आलोचक या डी इतिव्रत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, जो गुण दोष का विवेचन करता है उसे आलोचक कहते हैं, और जो किन्हीं घटनाओं के कालक्रम से किया गया यथा तथ्य वर्णन होता है उसे इतिव्रत कहते हैं, जो कहने सुनने में या देखने में लज्जापूर्ण हो उसे अश्लील। नेक्स्ट, और जिसकी आलोचना की जाती है उसे आलोच्य कहते हैं। नेक्स्ट, अंकेशक अंकेक्षक वाक्यांश के लिए वाक्य होगा। ऑप्शंस हैं ए आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, बी अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, सी अंकों के साथ खेलने वाला या डी गणना करने वाला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। नेक्स्ट, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शंस हैं ए अजर, बी अजहर, सी अजार या डी अजहर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए उसे अजर कहते हैं, और अजहर कहते हैं चमकदार को, और अजार कहते हैं बीमारी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। ऑप्शंस हैं ए जिस स्त्री का पति बाहर हो उसे प्रेषित पति का कहते हैं,
बी जिसका विवाह ना हुआ हो अशीलवंती, दो बार जन्म लेने वाला द्विज, या डी जो कुछ नहीं जानता अज्ञ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अशीलवंती नहीं बल्कि अपरिणीत कहते हैं। नेक्स्ट, समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द हैं, ऑप्शंस हैं ए दावानल, बी जलागम, सी बड़वानल या डी भीषणाग्नि। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। नेक्स्ट, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी, गलत लिखे गए शब्द को सही रूप में छांटें। ऑप्शंस हैं जिजीविषा, जिजीविषा, जिजीविषा और जिजीविषा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ये इसका सही रूप होगा, यानी इसका अर्थ होता है जीने की चाह। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ऑप्शंस हैं ए सर्वोत्तम, बी संसारिक, सी स्त्रोत या डी कीर्ति। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इसमें जो स्त्रोत है ये ठीक लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत हैं। सर्वोत्तम में आधा ता और आएगा, सर्वोत्तम में आधा ता और आएगा, जबकि संसारिक नहीं सांसारिक होता है, जिसमें आगड़ अंडा और आएगा इसमें। और कीर्ति में जो मात्रा है ये गलत लगी हुई है, ये छोटी ई की मात्रा आएगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप में वाक्यों का शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ऑप्शंस हैं ए बैल और बकरी घास चरती है, बी बैल और बकरी घास चरते हैं, सी बैल और बकरी घास चरता है या डी बैल और बकरी घास चरता रहता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं। नेक्स्ट, वाक्य की अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। ऑप्शंस हैं ए भिखारी की, बी दशा से, सी मुझे दया आ गई या डी कोई त्रुटि नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दशा से नहीं बल्कि दशा देखकर, भिखारी की दशा देखकर मुझे दया आ गई, ये इसमें गलत होगा। नेक्स्ट, कौन सा वाक्य शुद्ध है, ऑप्शंस हैं ए वह कितना सुंदर दृश्य है, बी वह कितना सुंदर दृश्य है, इसमें चिन्ह देखने हैं, वह कितना सुंदर दृश्य होता है, वह कितना सुंदर दृश्य है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, इसमें विस्मय आदिबोधक चिन्ह लगा हुआ है और लास्ट में इसमें ऊपर वाले में प्रश्न चिन्ह है जबकि इसमें विराम है, तो ये वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, ऑप्शंस हैं ए भारत में अनेक जाति हैं, बी भारत में अनेकों जाति हैं, सी भारत में अनेक जातियाँ हैं या डी भारत में अनेकों जातियाँ हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, ऑप्शंस हैं ए फल बच्चे को काटकर खिलाओ, बी बच्चे को काटकर फल खिलाओ, सी बच्चे को फल काटकर खिलाओ या डी काटकर फल बच्चे को खिलाओ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बच्चे को फल काटकर खिलाओ, ये सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, ऑप्शंस हैं ए मैं गाने की कसरत करता हूँ, बी मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, सी मैं गाने का शौक कर रहा हूँ या डी मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये इसका शुद्ध रूप है। नेक्स्ट, प्रकारांतर में से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, इसमें जो प्रकारांतर है इसका सही रूप बताना है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है प्रकारांतर, ये इसका सही रूप होगा, प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। प्रकारांतर का अर्थ होता है भिन्न प्रकार से या दूसरी तरह से, ये इसका अर्थ होता है, या इसका अर्थ ऐसे करेंगे तो दूसरी तरह से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है, और इसका सही रूप होता है प्रकार अंतर। नेक्स्ट, बंदूक एक उपयोगी रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करें। ऑप्शंस हैं ए अस्त्र, बी शस्त्र, सी रक्षक या डी औजार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी,
बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ हमारा टेस्ट ये कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये टेस्ट अच्छा लगे या हेल्पफुल हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।